जब भी आप पढ़ोगे तो कंटेंट्स के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी, क्या क्या? आर्टरी एंड वेन, दैट मींस द वेसल्स, देन मसल एंड नर्व, दैट्स ऑल। ये क्या है कंटेंट्स, ठीक है। आर्टरी कौन सी है? तो आर्टरी एंड वेन्स, सो आर्टरी और वेन्स है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, क्लियर। मसल, दो मसल है, रेक्टस एब्डोमिनिस जिसकी हमने बात की, और एक छोटी सी मसल होती है पिरामिडालिस जो कि लोअर पार्ट में होती है, प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर होती है। नर्व की अगर आप बात करोगे तो नर्व जो है ना वो कौन सी है, जिनको बोलते हैं ए टिपिकल थोरेसिक नर्व, जो लोअर होती है, जो थोरेको एब्डोमिनल नर्व है। तो T7 से T11 ये तो हो गई इंटरकोस्टल नर्व, प्लस T12 जिसको हम बोलते हैं सबकोस्टल नर्व। ये आपको किसमें मिलेगी? ये आपको मिलेगी रेक्टर शीट के, ठीक है। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ये जो दो नर्व है, ये दोनों नर्व का रेक्टर शीट से कोई लेना देना नहीं। कई बार आपको ये पूछा जाता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर नर्व सप्लाई के डर्मेटोम्स क्या हैं? तो देखिए एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जब भी आप नर्व सप्लाई के डर्मेटोम पढ़ेंगे तो वो L1 तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? T7 से L1 तक जाते हैं। और L1 का सोर्स क्या है? L1 का सोर्स है ये इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, जो कि लंबार पैक्सिस की ब्रांच है। अब कंफ्यूजन ये है कि अगर ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जा रहे हैं तो क्या ये रेक्टस शीट से होकर जाते हैं? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है दोनों वो रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल। और ये रिट्रोपेरिटोनियल क्यों है? बिकॉज दे आर अराइजिंग और दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्वास मेजर मसल, जो कि पेरिटोनियम से ढकी हुई है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है, ठीक है। तो जब आप पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिसेक्शन देखते हो तो आपको पहले पेरिटोनियम हटाना पड़ता है। जब आप पेरिटोनियम हटाते हो तो आपको दोनों साइड स्वास मेजर नजर आती है, और स्वास मेजर की लैटरल बॉर्डर से आपको इलियो इंग्वाइनल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व निकलती हुई दिखती है, जो कि किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में काम आती है। और ये रिट्रोपेरिटोनियल होती हुई आगे आती है, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल पे आके ये आपका एंटीरियर वॉल में पियर्स करती है फेशिया ट्रांसवर्सलिस को, क्लियर। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि ये जो नर्व्स हैं दोनों इलियो इंग्वाइनल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ये अल्टीमेटली पीछे से आगे आती है। ये अराइज कहां से होती है? पीछे से, और पीछे से ऐसे आगे आती है अलोंग द दिस लैटरल वॉल ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। और ये रेट्रोपेरिटोनियली रन करती है, और रेट्रोपेरिटोनियल रन करके आगे आगे फेशिया ट्रांसवर्सलिस को लोअर पार्ट में पियर्स करके, और आपका सुप्रा प्यूबिक रीजन का स्किन और फ्रंट ऑफ थाई का अपर पार्ट ऑफ द स्किन सप्लाई करती है। इनका रेक्टस शीट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये चीज प्लीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम दूसरे जो कंटेंट्स हैं इनकी अगर आप बात करेंगे तो जो पहला कंटेंट है दैट इज द आर्टरी एंड नर्व, ठीक है। मसल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। सो फॉर अब हम सिर्फ ये दो चीजें डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। अब आप जब आर्टरी पढ़ रहे हो तो मैंने लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें आपको बताया था कि जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किस स्पेस में मिलती है? द आंसर इज इट रिप्रेजेंट इज अ प्री पेरिटोनियल फैट, ठीक है। देखिए ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, उसके बाद ये फेशिया कैंपर है, ये स्कार्पा है, ये आपकी तीन मसल लेयर है जो एक ब्लॉक में मैंने बनाई। उसके बाद ये जो है दिस इज योर प्री पेरिटोनियल फैट, दिस इज सॉरी ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस, देन दिस इज प्री पेरिटोनियल फैट एंड दिस इज योर पेरिटोनियम। तो अगर आप सुपरफिशियल से डीप आ रहे हो तो ये लेयर्स आपको मिल रही है, ठीक है। अब जो आपकी
आर्टरी है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो कहां रन कर रही है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी रन कर रही है इस एरिया में। किस एरिया में? इस प्री पेरिटोनियल फैट में, जहां पे वो बना रही है लैटरल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, और ये जो आर्टरी है अल्टीमेटली इसको कहां जाना है? हम पढ़ रहे हैं रेक्टस शीथ के अंदर, यानी फेशियल ट्रांसवर्सलिस के ऊपर जाना है, क्योंकि ये तीन मसल लेयर हैं। कौन कौन सी मसल लेयर हैं? ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ठीक है, और ये आर्टरी जो है, ये आर्टरी रन कर रही है इस तरीके से टुवर्ड्स द अम्बिलिकस इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मसल्स इन द इंटरनल वॉल इन द रिट्रो प्री पेरिटोनियल फैट। ठीक है, अब ये आर्टरी जब आर्कुइट लाइन तक पहुंचती है, जो कि अभी मैंने बताया अम्बिलिकस के नीचे होता है, उस आर्कुइट लाइन तक पहुंचने के बाद, ये आर्टरी आर्कुइट लाइन तक पहुंचने के बाद इस तरीके से रेक्टस शीथ के अंदर आ जाएगी। इट विल पियर्स द फेशियल ट्रांसवर्सलिस। ये क्या है? फेशियल ट्रांसवर्सलिस। सो ये फेशियल ट्रांसवर्सलिस को पियर्स करेगी, इसने पियर्स कर दिया आर्कुइट लाइन के लेवल पे, और पियर्स करने के बाद फिर इसने किसको पियर्स किया? पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ को। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ में क्या क्या आएगा? आपका पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, और उनको पियर्स करके ये किसमें एंटर हो जाएगी? पोस्टीरियर टू द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, तो यहां पे जब आप कट करोगे इस एरिया में, तो ये आपका रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है और ये पोस्टीरियर वॉल है, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड पोस्टीरियर लेमिना। तो आर्टरी कहां आ चुकी है? आर्टरी यहां आ चुकी है। ठीक है, सो पोस्टीरियरली आर्टरी आ चुकी है। कैसे आई दोबारा? कि ये इट अराइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलियक। एक्सटर्नल इलियक से अराइज होने के बाद इट इज रनिंग इनटू द दिस प्री पेरिटोनियल फैट टिल द आर्कुइट लाइन। आर्कुइट लाइन के लेवल पे इसने क्या किया? इट पियर्सेस द फेशियल ट्रांसवर्सलिस, देन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीथ एंड एंटर्स इनटू द रेक्टस शीथ। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो आर्कुइट लाइन होती है, इसका रफली अगर कोई आपको पूछे कि सरफेस मार्किंग कैसे करेंगे, तो ये आपका ASIS है, दिस इज ASIS, दिस इज योर इंग्वाइनल रीजन। क्लियर? सो आपको अगर आर्कुइट लाइन का रफ डिमार्केशन करना है, तो आर्कुइट लाइन एक्चुअली ASIS के लेवल पे मिलती है। दिस इज द रफ आइडिया। अगर कोई आपको पूछे कि हमें आर्कुइट लाइन इंटरनल वॉल पे मार्क करनी है, ठीक है, तो कहां मिलेगी? तो इट इज ये अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के नीचे मिलेगी, बट ऑब्वियसली, लेकिन ये मिडवे ऑफ ASIS, सॉरी अम्बिलिकस एंड क्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और यू कैन सी दैट एट द लेवल ऑफ ASIS। क्लियर? तो इस लेवल पे पीछे की तरफ से जो आपकी आर्टरी आ रही थी, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो कि इस एरिया में थी, इसने आर्कुइट लाइन के लेवल पे आगे क्या किया? पियर्स करके किसमें आ गई? पोस्टीरियर रेक्टस शीट में आ गई। ठीक है, इसी तरह से इस रेक्टस शीट में ऊपर से आ रही है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और अभी हमने देखा कि अपर एंड पे ऊपर की तरफ आपकी रेक्टस शीट डेफिशिएंट होती है पोस्टीरियरली। ठीक है, तो जो यहां पे पोस्टीरियरली रेक्टस शीट शुरू हो रही है, दैट इज 7th-8th कार्टिलेज। ठीक है, यहां से रेक्टस शीट स्टार्ट होके नीचे आ रही है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा गैप होता है ज़िफर्ट प्रोसेस और डायफ्राम के अटैचमेंट पे, वहां से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहां एंटर कर जाती है? अगेन इस स्पेस में। ठीक है, और ये दोनों आर्टरीज पोस्टीरियरली एनास्टमोस करती है, and this is what is about the content, that is the arteries. दूसरा content है nerves का। देखिए nerves के बारे में आपको सबसे important चीज जो समझनी है कि nerves कभी भी posteriorly pierce करके आगे नहीं आई है। posteriorly मतलब posterior rectus sheath को pierce नहीं करती है, पूरी thickness को क्यों नहीं करती है? उसको आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था चेस्ट की मसल्स के साथ, ये आपकी क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, उसके बाद ये है आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल,
आपकी इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल, इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल। अगर आप इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया एंटीरियर ऑफ वॉल देख रहे हो तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये है आपका इंटरनल ऑब्लिक, और ये है क्या है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। क्लियर। अब जो न्यूरोमस्कुलर बंडल है वो यहां पे है, यानी नाव यहां पे है। कौन सी नाव? जो हम पढ़ रहे हैं T7 to T12। ठीक है, ये जो इंटरकॉस्टल नाव्स हैं विद द सबकॉस्टल नाव, ये इस एरिया में रन कर रही है बिकॉज दे आर अराइजिंग इन द पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, इन द थोरेसिक रीजन। ठीक है, वहां से वो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उस वर्टिब्रल कॉलम से थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल वर्टिब्रा के बीच से होता हुआ इन दोनों मसल्स के बीच से होती हुई आगे आ रही है। ठीक है, और नीचे आके फिर एब्डोमेन में जाएगी। क्लियर। तो एब्डोमेन में कहां? इसी प्लेन में रन करेंगे, द प्लेन विल रिमेन सेम। तो एक बात तो ये तय हो गई कि इंटरकॉस्टल नर्व्स जो है ना वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को पियर्स नहीं करेंगे। क्लियर, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को पियर्स नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमने आर्टरी का देखा कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आर्कुएट लाइन के ऊपर जब जाती है तो वो सारी पूरी जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और पोस्टीरियर लेयर ऑफ आपका इंटरनल ऑब्लिक उसको पियर्स करके स्पेस में गई है, लेकिन नर्व ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को पियर्स नहीं कर रही है। ठीक है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जैसे आपने देखा कि आगे जाके ये एपोन्यूरोसिस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ये भी एपोन्यूरोसिस में कन्वर्ट हो गया, और ये यहां पे आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, इसने एंटीरियर लेयर बना दी, ये भी स्प्लिट हो गया तो ये एंटीरियर लेयर ऐसे भी बन गई। ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये जो आपकी नर्व है, ये नर्व इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के बीच के प्लेन में है, और ये नर्व यहां पे आने के बाद सिर्फ किसको पियर्स कर रही है? इस स्ट्रक्चर को। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है? दिस इज इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, यू कैन सी दैट दिस इज। ठीक है, तो ये जो इंटरनल ऑब्लिक है, इस इंटरनल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस को ये पियर्स करके रेक्टस एब्डोमिनिस के पीछे आ जाती है, और फिर बाद में ये रेक्टस एब्डोमिनिस को पियर्स करती है, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस को पियर्स करती है, और ऊपर स्किन को सप्लाई करती है, क्यूटेनियस सप्लाई देती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पे जो नाव है उसका प्लेन कैसे कॉमन रहा। ये प्लेन था पीछे की दो मसल के बीच में, ये भी वही दो मसल्स, पीछे वाली दो मसल्स के बीच में स्पेस कंटिन्यू करता है, और ये नाव उन दोनों एपोन्यूरोसिस के बीच में ही चले जा रही है। यानी ये नाव ऐसा नहीं है कि यहां से पूरी थिकनेस को पियर्स कर रही है। सो ये कई बार आपको सवाल पूछा जाता है कि क्या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो नर्व है, जो क्यूटेनियस सप्लाई है, वो इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के एपोन्यूरोसिस को पियर्स करती है? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ये इंटरकॉस्टल नर्व्स इसी प्लेन में चल रही है, और ये ऐसे कैसे आगे अगर जाएगी तो आपका जो आपका पोस्टीरियर लैमिना है इंटरनल ऑब्लिक का उसको पियर्स करेगी, ना कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को। क्लियर। सो ये व्हाट इज अबाउट द नर्व सप्लाई। क्लियर, थैंक यू।